सत श्रीकाल जी, जय भीम, जय भारत। तुसीं देख रहे हो अंबेडकर मिशन न्यूज चैनल। मैं तुहाडा अपना सरबजीत सिंह टोला। अज असीं पहुंचे हां मलेरकोटला विखे, जिथे कि मणिपुर दे विच हो रही अनसकामियां घटनावां नूं लैके, जिवें कि उत्थे औरतां नाल बस लुकी कीती गई है। मलेरकोटला दे मसीह भाईचारे वल्लों समूह शहर वासियां नूं नाल लैके सिख मुस्लिम भाईचारां वल्लों रल मिल के इक रोस प्रदर्शन कीता गया, जो कि मलेरकोटला दी दाणा मंडी चों लैके गरेवाल चौक तक पहुंचा। तुहाडी गल करावांगे उहनां रोस प्रदर्शनकारियां नाल, उहनां दा इस संबंध दे विच की कहना। बहुत ही बड़े जो कि कह लिए वक्फे नूं लैके, बहुत बड़े शहर वासियों नूं लैके रोस प्रदर्शन का गरेवाल चौंक तक शाम नूं 5 बजे तक जारी रहेगा। इन्होंने मंग की सरकारां कोलों, अगर साडे उस बच्चे नूं इंसाफ नहीं मिलदा, असीं लंबा संघर्ष बिटांगे सरकारां दे घर के रंग जाके, मंत्रियों दे कोठियां के रंग। तुहाडी गल करावांगे उन्हां धरनाकारियां दे नाल। मैं जय भीम, जय भारत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु फतेह। हरपूर सिंह सरौल, जिला प्रधान अंबेदकर टैक्स फोर्स। की कहना चाहोगे तुसीं गरेवाल चौक दे विच रोस धरने विच पहुंचे? मणिपुर दे विच मसीहा औरतां नाल ते मेवात हरियाणा दे विच मुसलमान भरावां ते जुल्म किया गया, वो खिलाफ बंद का अज ऐलान किया गया जी। वह अज गरेवाल चौक के मलेरकोटला विच लाया गया। पूरा शहर पहुंचे, इतने बाहरों भी संगत आई है, बहुत बहुत दूरों दूरों आए ने। मैं सरकार चेतावनी दिना भी ये जो अत्याचार जुल्म गरीबा कर रही है भी एक बंद कर दे, नहीं लोग बंद करवाना चाहते ने। मेरा नाम है पादरी तरसेम मसी, अहमदगढ़ मंडी तो आया मैं, तो साढ़े नाल सारे भाईचारे खड़े ने, तो सिमरजीत सिंह मान हरी, अंबेदकर हरी, डॉक्टर जय भीम, जय भारत, और सारे असी धर्मां दे खड़े, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। असी यह मैसेज देना चाहते हैं जो मणिपुर दे विच जो कन्या दे नाल जो भी जुल्म हो रहा उन्होंने बंद करो, नहीं तो सारा पंजाब की सारा हिंदुस्तान जिहड़ा वा एक थां ते इकट्ठे होकर वो जुल्म नूं रोकना चाहते हैं। जे वो रो ना रुके तो बहुत सारे धरने किए जाएंगे। एक मोदी सरकार नूं असीं इस करके सीट पर बिठाया कि वह सारे धर्मों का सत्कार करे, लेकिन जो एक धर्म नूं लैके चलेगा तो फिर दूजे धर्म कित्थे जाएंगे। सारे उन्हां नूं चाहिए कि सारे धर्मों का सत्कार करे और सारे धर्मों की इज्जत करे। जे एक ही धर्म जिहड़ा वह अपने आप ही रखेगा तो दूजे धर्म कित्थे जाणे। असीं भी हिंदुस्तान के वासी हाँ, तो असीं मसीह भाईचारे दे नाल साडे नाल बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा, अगर जे जुल्म नहीं रोकेगा तो असीं और भी सड़कां ते आवांगे। साडे सारे भाईचारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारियां जिन्नियां भी पार्टियां ने साडे नाल खड़ी ने। अज मलेरकोटला दे विच असीं गरेवाल चौंक दे विच हज़ारां लोग असीं इकट्ठे होए हां, अगर जे इहनूं ठल ना पाई मोदी सरकार ने तो असीं फिर सारे जिलों के सारे हिंदुस्तान के धरने दे के मसीह भाईचारा भी और दूजी सरकारां भी साडे नाल खड़नगियां। मैं साकिब अली राजा, जिला इंचार्ज आम आदमी पार्टी, चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड, तो अज जो इतने मणिपुर हिंसा तो जो नूह के हिंसा हुई है वो अगेंस्ट एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रखा गया, जिदे सारी कम्युनिटिया के लोग बढ़ चढ़ के जिन्होंने साथ दिता। जो ये कट था ये क्रिश्चन भाईचारे ने जो कॉल करी थी वो समर्थन के अज मलेरकोटले ने दरियादिली दिखाई, सारी मंडी बंद रही है और लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सारा बाजार भी बंद है और हर कम्युनिटी के लोग इतने थोड़े सामने पहुंचे ने, क्योंकि जी मणिपुर वाली घटना है वो हिंदुस्तान की एक शर्मनाक घटना है। क्यों एक अपनी माँ भैन थी जिसनों कह लो गल मेरी सैकड़िया बंद ने रेप करते रेप करके और उसनों सड़कों पर घुमाया गया और बाद दे विच उन्हां दे कतल किए गए, जिदे विच वो भी लोग थे जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी 71 दे विच अपने कारगिल जंगा लड़िया। उन्हां दी कह लो गल मेरी धी भैन या बीबी नूं भी इस तरह का घिनौनी हरकत करी गई और सारा मणिपुर चल रहा है, पर साडे जो देश के प्रधानमंत्री ने वो चुप बैठे ने, होम मिनिस्टर चुप बैठे ने, वो चुप नहीं बैठे, वो घट गिनतियां नूं खत्म करने लई कह लो गल मेरी होर प्रेरित कर रहे ने। क्यों कारण की है दोस्तों, तुसीं सच सच की आवाज़ चक्कन वाले बंदे हो, ज़्यादातर नैशनल मीडिया के जिहड़े चैनल ने अपने
वो इन्होंने खरीद ले, ज़्यादातर नैशनल मीडिया के चैनल इन्होंने खरीद ले, जेड़े कोई सच खबर दिखा नहीं रहे। एक की काम पड़िया होया है, नैशनल मीडिया ने ज़्यादातर लोगों ने मुस्लिम कम्यूनिटी घट घट गिनती कम्यूनिटी एक अंतवादी बना के पेश करता। और कह लो गल मेरी, बार 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 जो आप एक सबक दें बच्चे तो सबक याद होंगे, उ सबक याद करा लगे हुए हैं भी घट गिनती खिलाफ है जो मेन जोड़ा कारण है वह बनया हुआ है। वो तो अगला तुम्हें देखा होगा नूह के एक मोनू मानेसर जो राजस्थान का क्रिमिनल, हरियाणा का क्रिमिनल, मानेसर का क्रिमिनल गुंडा आदमी नूह के लोगों को कहना है भी थोड़ा दामाद थोड़ा जमाई थोड़ा ये वाला या वो वाला पोस्टा पाँगा भी मैं इतने आऊँगा जिहड़ा कोई मेरा स्वागत करी आर पा के। पर नूह के लोग इज्जतदार लोग उत्थे हिंदू भी कट्ठे है, उत्थे सिख भी कट्ठे ने, उत्थे मुसलमान भी कट्ठे हैं, सब ने कट्ठे हो के तुहाडे सामने वो एक यात्रा का एक बहाना था मेन नूह दे विच लोगों जलील करने का मकसद था। तो नूह दे लोगों ने उत्थे तुहाडे सामने उल्टा अगर थोड़ा मोटा कोई वाकया होया उहदे अगेंस्ट मुसलमानों ने सारे घर तोड़ते उत्थे उन्होंने बने हुए मकान तोड़ते जिहड़े हाई कोर्ट चो स्टे हुई है। पर उत्थे दे लोग उत्थे दे लोगों ने चाहे वह हिंदू हो चाहे सिख हो चाहे मुसलमान हो चाहे दलित होवे उन्होंने सब ने नूह के लोगों का साथ दिता है। और हरियाणा के लोग कट्ठे ने और तुम्हें देखा होगा भी असल कहानी की है 2024 है, 2024 करके लोगों को भड़काया जा रहा है भी 14-15% जो मुसलमान ने उन्होंने अत्तवादी बना के पेश करके जिहड़ियां होर कम्यूनिटी दीआं वोटां ने उन्होंने ये लोग अपने नाल लाउणा चाहुंदे ने। पर जिहड़ी बर्बादी होई है दोस्तों मैं फिर कहना जिहड़े 15% लोग ने मुस्लिम कम्यूनिटी दे ये तां बहुत छोटे कास्टकार लोग ने, इन्हां दे बहुत छोटे छोटे कारोबार ने, कारोबार ने हिंदुस्तान दे विच उन्होंने ज़्यादा कारोबार ने। मेरी दोस्तों सारे साहबान मेरे दोस्त हैं जो हिंदू कम्यूनिटी के पूरे देश के दे, तो मैं उन्होंने यही बेनती करना चाहना है कि ये एक जो हिंदुस्तान है ये फुलों का गुलदस्ता है, इनू बनाए रखो और मोदी की चाल समझो, RSS दी चाल समझो, इन्होंने चाल तो बचो। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन तलाश इतने कटे। सरदार हरदेव सिंह जिला प्रधान श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, अज का जोड़ा रोस प्रोटेस्ट है जी मणिपुर घटनावां साढ़े ईसाई भारे दियाँ भाईचारे दियाँ बीबियां भैणां ना जो इत्थों दे दरिंदगियां ने जुल्म ते जबर किया उन्हां बीबियां दे उपर उहदे खिलाफ़ श्रोमणी अकाली दल अमृतसर भी अज इत्थे ईसाई भाईचारे दे नाल अपनी जबर विरोधी आवाज़ बुलंद कर रहा जी। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के साडे इलाके के समुचे लोकल लीडर पहुंचे ने ते साडे जिहड़े सीनियर वर्कर ने सारे अज इस इकट्ठ दे विच आए है जी। अज असी यह सांझे तौर पर हिंदू मुसलमान ईसाई तो सिख ईसाई सारे भाईचारे समुचियां घट गिणतियां वालों अज का रोस मुजहरा गरियाल चौंक जिला मलेरकोटला दे विच रखिया गया। इहदे विच असी इतों दियां हकूमतां जिहड़ियां पिछले दहाकियां तो जबर ते जुल्म करदियां आ रहियां ने जिन्हां ने घट गिणतियां नूं निशाना बना के घट गिणतियां ते जबर करके और घट गिणतियां दा कतलेआम तक करके अपनी कुर्सी नूं कायम रखण वास्ते पर अपनी बहु गिणती खुश रखने वास्ते साडे लोगों के हकों का हनन किया जा रहा है, साडे उपर जबर ढाया जा रहा घट गिणती कौमों के उपर। देखो जिथों अज देश की RSS पोलिटिक्स चलाउंदी है भावें BJP की सरकार है पर इन्हों का थैंक टैंक नागपुर गुने है उन्होंने पता नहीं की खुशी मिलती है सानू लोगों गरीबों जिहड़ियां इत्थे जनता साडियां घट गिणती ने उत्ते जबर ढा के। पर जिहड़ी गल तुसी करदे हो इंसाफ की, इंसाफ तो 1947 तो लैके जे तुहानू घटनावां दा वर्णन करन लगीए साडा तो कतलेआम ही हुंदा जा रहा जी। आ पिछले मार्च अप्रैल च तुसी देखो किवें अमृतपाल नूं साडा इत्थे पंजाब की कनैक्टिविटी बंद करके एक सच बोलण दे
जिहड़ी असीं नशे छडाउण दी वारस पंजाब जथेबंदी ने मुहिम शुरू की सी उस मुहिम नूं जबरन कुचल दिता गया क्योंकि सानू साडे गुरु साहब के सिद्धांतों मुताबक भी काम नहीं करन दिता जा रहा ते साडी सिख कौम नूं डिस्टर्ब करके सानू अतवादी बखवादी और इत्थे दा तां मीडिया का भी रोल नाल रहा जिहड़ा हुकूमत ने मीडिया भी चला रहा एक प्रेस से विश्वास हुंदा प्रेस ने भी एनालाइज करके नहीं किसी ने कहा भी ये सच बोलते हैं हकों की लड़ाई लड़ते हैं जो संविधान के मुताबक है उस दा भी असी किसी ने जिहड़ी जिम्मेवार धिरा कोई खंडन नहीं किया इस करके जुल्म है जी नागपुर तो ही सोच चलती है केजरीवाल मगर बैठे देखते ने पर भगवंत मान जिहड़ा खुद चीफ मिनिस्टर नशा करता हो वो नशा किवें छडा दू असी झोटा नहीं इत्थे दा लखां नौजवान ने जिहड़े के हुण इस पंजाब दा फिर हिस्सा बन गए अपने हकां लई क्योंकि साडी तां इक कतार ही वक्री है पंजाब दे अंदर किन्ना साडे नौजवानां दा कतलेआम किया गया इत्थे आवाज़ नूं बुलंद नहीं किया जा सकता दबाया नहीं जा सकता असी आवाज़ बुलंद करांगे और कल साडे मैंबर पार्लीमेंट सरदार सिमरनजीत सिंह मान ने पार्लीमेंट दे विच जो सिखां नाल भारत दीआं एजेंसियां द्वारा कराया जांदा है वो हर चीज़ चाहे घट गिणती मुसलमान होण इन्हां नाल जम्मू कश्मीर दे विच होया गुजरात दे विच होया बीबी बानो नाल हर जगह मुजफ्फरनगर च होया चाहे साडे ईसाई भाईचारे दीआं बीबियां नाल मणिपुर विच कीता उत्थे कल्ले मैंबर पार्लीमेंट ने पूरा विरोधी धिर दा रोल अदा कीता पार्लीमेंट दे विच कल तुसीं सारे प्रेस वालिआं ने देखिआ वह हर एक जिहड़ा साडा सोशल मीडिया पंजाब पक्षी गल करदा है उहनूं उहनां चीज़ां नूं हाईलाइट करना चाहीदा भई देखो किवें इक मैंबर पार्लीमेंट पूरी पार्लीमेंट दे विच कल्ला हिकड़ा के विरोध कर रिहा जी अंत दे विच असी यही कहना चाहांगे भई जे असी ना संभले तो सानू साडा दीदा भी मारता इन्हां ने देना ही है सानू इन्हां ने इत्थे इमानदारी नाल ते आजादी नाल रहण तां देना नहीं पर असी दबके रहण वाले नहीं असी अणख असी कदर करन वाले हां हम सभना के साजन असी सरबत दा भला चाहण वाले हां असी मुसलमान भरावां दा हिंदुआं दा ईसाइयां दा सिख दा असी हैगे ही हां सानू गुरु साहब ने सोच ही इह दित्ती आ भी भला करो जियो और जीने दो।